लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। लूट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है, ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। मैनपुरी कोतवाली शहर के आवास विकास कॉलोनी के निवासी एक युवक को संविदा पर नौकरी का झांसा देकर पहले फोन कर घर से बुलाया, फिर उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर अचेत अवस्था में कर दिया। उसके बाद युवक से नगदी को लूट लिया। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का है। 20 फरवरी को कॉलोनी के रहने वाले युवक सिंटू के मोबाइल पर परिचित सुधीर दिवाकर का फ़ोन आया कि लखनऊ चलना है, रुपयों का इंतज़ाम कर लो, 2.5 लाख रुपये लग रहे हैं और आपकी संविदा पर नौकरी लग जाएगी। सिंटू ने आनन फानन में रुपयों का इंतज़ाम कर बताए गए स्थान पर पहुँच गया, जहां से आरोपी सुधीर उसे अपने साथी की मदद से 4-व्हीलर गाड़ी पर बैठा कर ले गया और उसे नशीला पदार्थ खिलाकर अचेत अवस्था में कर दिया। उसके पास से नगदी लूट ली। अचेत अवस्था में होने के बाद सुधीर और उसका साथी रमाकांत शर्मा युवक सिंटू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और शाम के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर युवक को पुनः 4-व्हीलर में गाड़ी में डालकर उसकी गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। रहस्य को छुपाने के उद्देश्य से युवक के शव को किशनी थाना क्षेत्र के सगोनी गांव के समीप वाली नहर में फेंक दिया। हम लोग यहाँ आए, हमारे भाई 20 फरवरी को शाम को 6 बजे घर से निकला और उसने कहा हम संविदा के नौकरी के लिए कागज़ जमा करने जा रहे हैं और एक साहब के साथ जा रहे हैं। तो फिर जैसे उन्होंने भाभी ने फ़ोन किया कि लाला कहाँ पहुँच गए, क्या अभी अभी गाड़ी अभी पहुँच गए, बस स्टैंड पहुँच गए, अभी गाड़ी नहीं मिली है। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद फोन उधर से 7 बजे फ़ोन किया कि बस हम गाड़ी पे बैठ गए, हम ये गाड़ी पे बैठने की बात कही उन्होंने और कि साहब के साथ गाड़ी पे बैठ गए। तो बस फिर उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। हमारा नाम अनार सिंह दिवाकर है। दिवाकर जी, ये बताइए, एक हत्या का मामला है, पूरा मामला बताइए क्या है। पूरा मामला जैसे ही पता चला कि लड़का ये 20 फरवरी को घर से नौकरी के बहाने मतलब जो ये निकला और कुछ मैं इन लोगों ने बुलाया, सुधीर ने बुलाया कि मैं कोई नौकरी लगवा देंगे। तो लड़का ये दिवाकर समाज के नाम सिंध नाम का लड़का था, बबलू का भाई, आवास विकास में रहता है। वो नौकरी के बहाने उन्होंने बुला लिया बस स्टैंड पर और उसको ला करके सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा नशीला पदार्थ खिलवाया, उस पर 2.5 लाख रुपये थे नौकरी के लिए लाया था घर से और हॉस्पिटल में उसको नशीला पदार्थ हुआ करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसको सब जो है पता कह जाता है पता चला है उसको नहर में डाल दिया गया है और जब उसकी जहाँ पूछताछ की तो एक नाम और कबूला है, सिटी हॉस्पिटल में एक शर्मा नाम का लड़का नौकरी करता है, शर्मा समाज का, रमाकांत शर्मा, उसको पकड़ा पड़ोस ने। फिर उसने भी कहा कि बात सही है, मैंने दोनों साथियों ने अस्पताल में डॉक्टरों की मदद से उसको मार के नहर में डाला है, उनके रुपये मेरे पास हैं। पुलिस जब उनके घर पर गई तो 2.5 लाख रुपए उनके बरामद हुए। इस घटना से जनपद मैनपुरी में दिवाकर समाज में नहीं सारे समाज में रोष व्याप्त है और पुलिस द्वारा जो नाइंसाफी की जा रही है केवल 2 ही लोगों को पूछताछ की गई। मैंने जब कहा कि सिटी हॉस्पिटल इंचार्ज को ला कर गया मतलब उनको पूछिए, उनको बंद करिए, तब ये पूरी घटना का खुलासा होगा। एक युवक की हत्या का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? ये 20 फरवरी को एक सिंधु कुमार नाम का युवक है, बीटेक था और अपने रिश्ते के भांजे के साथ नौकरी लगाने की बात कहकर चला गया था और अचानक वो गायब हो गया, जो उसको कोई सूचना नहीं प्राप्त थी, तो उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था उसके भाई द्वारा। पुलिस ने तफ्तीश की, उसमें 2 लोग का नाम प्रकाश माए, एक इनका रिश्ते का भांजा लगता सुधीर कुमार और उसके एक साथी है रमाकांत, इन दोनों के द्वारा एक रंजिश को लेकर के उसकी हत्या कर नहर में डाल दिया गया था और उनके द्वारा अपने अपराध को कबूल किया गया है और उसके आईडी, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके अलावा जूती उसमें बरामद कराए गए हैं और उस बॉडी बरामद अभी नहीं हो पाई है। अब प्रयास किया जा रहा है कि बॉडी जो नहर में डाली गई थी उसको